नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर, जिसके फिजिकल आपको दोस्तों जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे, जिसका रिजल्ट है आपको वो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। सिर्फ दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और कुछ ही दिनों में आपके फिजिकल ले लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, उस गलती को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जिन्होंने भी एग्जाम दिया है और जो वो गलती लगभग दोस्तों सभी बच्चे कर रहे हैं, जिनके भी दोस्तों अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, वो भी बच्चे गलती कर रहे हैं, तो वो गलती क्या कर रहे हैं, उस गलती का दोस्तों मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे यदि आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर जरूर कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ क्या रहेगी, क्या आपको पता है क्या कट ऑफ क्या रहेगी, क्या आपको पता है क्या कि कौन से जिले की कट ऑफ ज्यादा रहेगी, कौन से जिले की कट ऑफ कम रहेगी। सिर्फ दोस्तों आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं, कोई हम भगवान तो है नहीं कि फिक्स कट ऑफ बता दी इतनी कट ऑफ रहने वाली है, सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं कट ऑफ का। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा दोस्तों, मान लो आपने जिस जिले से फॉर्म अप्लाई किया है उस जिले की कम कट ऑफ रही और आपको फिजिकल का कॉल आ गया, तो फिर आप क्या करोगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो बच्चा कर रहा है वो यही कर रहा है कि अभी तक फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करी, अभी तक दौड़ शुरू नहीं करी। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा दोस्तों, ये गलती आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। यूं मान लेना, यदि आपको दौड़ के लिए बुला लिया और आप फिजिकल में बाहर हो गए, तो यूं मान लेना आपने अपने पैरों पे खुलाड़ी मारी है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, आपको फिजिकल की तैयारी है वो जरूर करनी चाहिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की दौड़ आपको जरूर करनी चाहिए। यदि आपके दोस्तों कम नंबर भी बन रहे हैं तब भी आपको दौड़ तो करनी चाहिए। जिनके भी दोस्तों अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, अच्छे खासे का मतलब यह है 75, 80, 85, 90, ये नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आपको दोस्तों बिना टेंशन के फिजिकल की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। अब आप ये बोलोगे, बहुत तो ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, आप बोल रहे हैं कट ऑफ कम रहने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप फिजिकल की तैयारी कर लेते हो और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपका सिलेक्शन मान लो आप बाहर हो जाते हो और आप दौड़ कर लेते हो तो आपका कुछ बिगड़ने वाला थोड़ी है। तो मैं आपके लिए बोल रहा हूं दोस्तों कि फिजिकल की तैयारी आप शुरू जरूर कर देना। यदि आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करी और आपको फिजिकल का कॉल आ गया, आपने दौड़ में बाहर हो गए, तो यूं मान लेना जो भी आप फड़े हो सब पे पानी फिर जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं दौड़ तो आप जरूर जरूर से जरूर दोस्तों शुरू कर देना। आप कब से करें, कल से ही आप दोस्तों दौड़ शुरू कर देना, कल सुबह से ही। सिर्फ दोस्तों आपको कितने, सिर्फ एक घंटे की बात है, सुबह जल्दी जाकर आप दौड़ कर सकते हो। जिनके भी दोस्तों अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि दोस्तों जिले वाइज कट ऑफ बनेगी, कोई पता नहीं जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस जिले की कट ऑफ थोड़ी सी कम चली गई तो और आपका कॉल आ गया तो फिजिकल का, फिर आप किसका दरवाजा खटखटाओगे, किससे जाकर बोलोगे कि आपने बताई थी कट ऑफ ज्यादा और कट ऑफ कम चली गई है और मैं तो दौड़ में फेल हो गया हूं। तो आप किसी के पास नहीं जा सकते। तो मैं तो यही बोलूंगा, अपने पैरों पर आपको खिलाड़ी नहीं मारनी है। आपके यदि कम भी नंबर बन रहे हैं, कितने 75, 80, 85, 90, तब भी आपको आज से फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है। सिर्फ दौड़ की तो बात है, सुबह जल्दी जाके आप दौड़ कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको दोस्तों जो आप डिमोटिवेट हो रहे थे, आपको बहुत पागल बना रहे थे, उनके बारे में आपको बता दिया है कि दौड़ करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला और कोई पता नहीं आपके जिले की कट ऑफ कम चली गई तो। हम मानते हैं कि कोई जिले कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, लेकिन आपने जिस जिले से फॉर्म अप्लाई किया है उस जिले से कम कट ऑफ चलेगी तो फिर आप क्या करोगे। मुझे तो इसका जवाब कमेंट करके बताना कि यदि आपके जितने नंबर आ रहे हैं उससे भी कम कट ऑफ गई और आपने फिजिकल की तैयारी शुरू ही नहीं करी तो फिर आप क्या करने वाले हो, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।